लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर मोदी सरकार के सामने सवाल खड़े किए हैं। राहुल ने कहा कि पीएम के पास चीन से निपटने की कोई तय योजना नहीं है, इस वजह से चीन हमारी सीमा में घुसकर बैठा है। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी को पूरा फोकस अपनी इमेज बनाने पर है, देश की सारी संस्थाएं इसी काम में जुटी है। सिर्फ एक व्यक्ति की छवि को चमकाने से राष्ट्रीय छवि का विकल्प नहीं हो सकता है। चीन से निपटने को लेकर राहुल ने कहा कि अगर आप उनसे निपटने के लिए मजबूत स्थिति में हैं तभी आप काम कर पाएंगे, लेकिन चीन ने कमजोरी को पकड़ लिया है तो फिर ये गड़बड़ है। राहुल ने कहा कि बिना किसी दृष्टिकोण से चीन से निपट नहीं सकते हैं, बड़े स्तर पर सोचने से ही भारत की रक्षा की जा सकती है। चीन के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर केंद्र सरकार को समाधान करना चाहिए, लेकिन अपना तरीका बदलना होगा। 17 जुलाई को इसी कड़ी में राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर कहा था कि चीन ने सीमा पर अतिक्रमण के लिए यह समय इसलिए चुना है कि पीएम मोदी की नीतियों ने भारत को कमजोर कर दिया है। इसके बाद राहुल गांधी ने दूसरा वीडियो 20 जुलाई को जारी किया, उसमें राहुल ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए थे। बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जारी है। दोनों देशों में कई दौर की वार्ता के बाद भी लद्दाख के एलएसी तनाव को लेकर कोई समाधान नहीं निकल सका है। सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर बनी हुई है।